She is the only one who teaches how to walk, how to speak, and how.
नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कन्या भूमध्य। गर्मी की छुट्टी में शालिनी अपने भाई के घर आती है। सभी प्रश्न मन से उसका स्वागत करते हैं किंतु उसकी भाभी उदास दिखाई दे रही थी। भाभी कुछ परेशान से लग रही हो, सब ठीक तो है ना? शालिनी मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती, रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन के समय भी माला की मनोदशा ठीक नहीं लग रही थी किंतु उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। बहन शालिनी, तुम भाग्य से आई हो, मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कुर्सी अचानक ही निश्चित हुई। आज ही माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास चली जाओ, उनके परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। क्या हुआ भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? मैं तो कल से ही देख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे वह स्वस्थ नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में मैं सब कुछ आपको बता देती। माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाती हुई रास्ते में बात करती है। क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूँ, पर तुम्हारे भाई की जिंदगी लिंग की जांच करवाओ, यदि कन्या है तो मैं गर्भपात कर पा लूंगी। मैं बहुत व्याकुल हूँ, परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं मानते। शिशु माला तो चिकित्सक के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा? माला बहुत सुनती रही, तभी खेलती हुई अंबिका अपने पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट की मांग करती है। राकेश अंबिका को लाड प्यार करता है और उसे चॉकलेट देता है। फिर से माला के प्रति राकेश प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी ऐसा
जरूरत नहीं पर क्या संसार आप इस बात में रखा रहे अगर हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वो दुर्गा माँ है।
you want to be?